नमस्ते तमाम मित्रों अपनी चैनल में दिल थी स्वागत है। आजना मुख्य समाचारों पर सौ प्रथम नजर करता पहला अपनी चैनल में जो तमे आज नवा हो तो सौथी पहला अपनी चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो कारण के दररोजना नियमित समाचार अमे तमारा सुधी पहुँचाड़ता रहेशु। तो वीडियो अंत सुधी जोता रहेशो, वीडियो गमे तो लाइक करजो अने वधारे वधारे तमारा मित्रों तमारा फेसबुक अने इंस्टाग्राम नी अंदर शेर करजो। तो सौथी पहला कोरोना समाचार की बात करिए तो भारत में कोरोना की बीजी लहर काबू में आई है, परंतु विदेश में हजू कोरोना अटकवानुं नाम नहीं लई रह्यो। कोरोना ने कारण अमेरिका में एक ज दिवस में 1,070, ब्राजील में 1,106 और रशिया में 799 लोगों ना मौत थया छे। न्यूज एजेंसी ना जणाव्या मुजब अमेरिका में 24 कलाक में कोरोना ने कारण 1,070 जेटला लोको एक दिवसे मौत पाम्या छे, तो मध्य एप्रिल थी आ संख्या सौथी मोटी छे। आम बात करिए तो एक दिवस में 2,700 जेटला लोकोना मौत थयेला जोवा मळ्या छे। त्यारबाद कोरोना समाचार की अंदर भारत की बात करिए तो छेल्ला 24 कलाक में 36,401 नवा पॉजिटिव केस नोंधाया छे, जेमां कोविड-19 ने कारण 530 दर्दीओ पोताना जीव गुमाव्या छे। महत्वनुं छे के 5 दिवस बाद मृत्युआंक फरीथी 500 बहार जेलो जोवा मळे छे। आम भारत में संक्रमितोनी संख्या खूब मोटा प्रमाणमां वधेली जोवा मळे छे। 24 कलाकमां 39,157 जेटला दर्दीओने डिस्चार्ज करवामां आव्या छे। हाल 3,64,129 जेटला एक्टिव केसो जोवा मळ्या छे। त्यारबाद ગુજરાતની વાત કરીએ તો ફરીથી કોરોનાના કેસમાં વધારો થયો છે। હાલમાં આજે 23 જેટલા નવા કેસ નોંધાયા છે અને 16 દર્દીઓ કોરોનામાંથી રિકવરી થયા છે। રાજ્યમાં કુલ 186 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 8 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર જોવા મળે છે, જ્યારે 178 દર્દીની હાલત સ્થિર છે। તો વાત કરીએ કે આજે ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે એક પણ દર્દીનું મોત થયું નથી, જ્યારે ભારતમાં જેમ ગુજરાતની અંદર પણ રિકવરી રેટ 98.76% થયેલો જોવા